नमस्कार, मैं नीलेश और नैनीटीवी की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है पत्थलगांव। पत्थलगांव जसपुर जिले का एक विधानसभा सीट है। यहां से जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं वो 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं, राम पुकार सिंह। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार रायगढ़ से सांसद गोमती साय को मौका दिया है। गोमती साय को प्रत्याशी बनाने के बाद से ही जो बीजेपी का एक फॉर्मूला था कि इस बार सांसदों को मैदान में उतारेंगे, उस पर भी मुहर लगी थी। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर खासियत मैं बताऊं तो पत्थलगांव का एक कोतबा इलाका है, कोतबा नगर पंचायत क्षेत्र है और ये काफ़ी इस इलाके का समृद्ध इलाका बताया जाता है। जसपुर में पत्थलगांव वो इलाका है जहां पर खेती किसानी और यहां के टमाटर और दूसरे जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, वो देश भर में जिसकी सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग बैठे हुए हैं, पूछते हैं, वोटर हो, वोट वोट देते हो आप लोग, कहाँ के? मैं बगीचे से हूँ। बगीचा के हो, मतलब जसपुर जिले के ही रहने वाले। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार जसपुर में? मेरे ख्याल से बीजेपी। मुद्दा पूछ रहा हूँ मैं, पार्टी तो ठीक है, किस मुद्दे पे आप वोट देने जाओगे? रोजगार पे। रोजगार पे, जो रोजगार देगा उसी को ही वोट। रोजगार देंगे उसको वोट देंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं बेरोजगार ही अभी तक। क्या किए हो आप? मैं एमकॉम हो चुका है मेरा, पीजी, हाँ पीजी हो चुका है मेरे पास, पीजी से पूरा क्वालिफिकेशन, आईटीआई भी है मेरे पास, पर जॉब कहीं नहीं है। तो सरकारें तो कहती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो वहाँ की या यहाँ की, राज्य सरकार, सेक्टर में नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, चाहिए अब उनको, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस चाहिए और बिना एक्सपीरियंस के कहीं मिलता नहीं है। क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। वोट देते हैं? वोट देते हैं? दुआ बुना किसको? मेरी पंजा था। अच्छा, क्यों पंजा को? क्यों क्यों पंजा को? मदद के दुआ बुना है ना, सरकार तो ना ये आदमी मान के सब चीज मिलता है, मुझे किसे ही नहीं मिलता है, पैसा मिलता है, सब चीज मिलता है, अब मुझे कहीं ही गोटे नहीं देता है। चलिए, इनका ये कहना है कि जो सरकार है वो सब चीज़ तो दे रही है, तो वोट क्यों ना दें? और भी लोग हैं। चाचा कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है? नेहरू लाल साहू। बताइए, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर है आपका नाम, है ना? ऐसा नहीं है, मैं तो भाजपा के ही आदमी हूं। अच्छा, ये नेहरू जी हैं जो भाजपा वाले हैं, एक बार और इनसे इनका परिचय करा दें। किन मुद्दों पर जा रहे हैं आप लोग, क्यों वोट देना चाहिए भाजपा को लोगों को? बहुत है समस्या उसके लिए, धान में भी 31 रुपया है और धान में तो ये 3200 दे रहे हैं। कौन 3200 देने पर क्या हुआ, वो घोटाला है इनका, जानते ही हैं आप दुनिया भर का, है ना? से जो प्रत्याशी हैं गोमती साय, वो तो कुनकुरी की रहने वाली है बताया जाता है। ठीक है ना, कुनकुरी की रहने वाली नहीं है, वो कोकिया खार का लड़की बेटी है, है ना? अच्छा, इसलिए यहाँ पे कोई भीतरी बारी कोई मुद्दा नहीं है? नहीं है। किसानों पर पूरा फोकस है इस बार, सारे चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों किसानों पर ही फोकस है। आपका के लिए क्या मुद्दा है? सर यहाँ मुद्दा हमारे फरसाटोली पंचायत में तो ज़्यादातर 200 की जनसंख्या है, लेकिन हम लोग कई बार गोमती साय को आवेदन भी दे चुके हैं, हमारे जो प्रत्याशी अभी बीजेपी से हैं उनके बारे में कोई पहल नहीं किए। तो क्या चीज़ का आवेदन दिया था आपने, क्या करने? मोबाइल टावर के लिए सर, जैसे बच्चे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। एक मिनट मैं आपसे बात रखूंगा, ये एक बड़ी समस्या है, डाटा और आटा की बात करती हैं सरकारें कि अब आटा के साथ साथ डेटा की भी जरूरत है, ये बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। क्या दिक्कत है आपके यहाँ? सर मोबाइल टावर घर में जैसे घुस जाते हैं तो बच्चे लोगों को ऑनलाइन पढ़ने में बहुत दिक्कत आता है सर, नेटवर्क की बहुत समस्या है वहाँ फरसाटोली पंचायत में, यहाँ से लगभग कोतबा से 7 किलोमीटर दूर। और हम लोग गए थे, आवेदन भी दिए थे गोमती साय जी को, और उसके बाद भी उन्होंने कोई पहल नहीं किया, तो इसलिए हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, हमें उम्मीद है कि उनसे जैसे अभी चुनाव जीतेंगे, हम तो सपोर्ट करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के मतदाता भाइयों को और बहनों को भी कि रामपुकार को एक बार फिर से जिताएं। ठीक कर रहा हूं, रामपुकार के पास क्यों नहीं आवेदन दिया फिर आपने? रामपुकार जी को जैसे तो कांग्रेस के भी है, टावर वो भी लगवा सकते हैं, लेकिन हमने सोचे कि हमारे जो गोमती साय जी हैं नेटवर्क के विषय में विशेष ध्यान देंगे, या फिर उनको हम एकाध बार नहीं बोले हैं, इनको तो कई बार बोले, जैसे कबड्डी खेल वगैरह कई बहुत सारे काम किए हैं, सामुदायिक भवन मांगे तो दिए, और कोई भी छोटी मोटी समस्याओं खेल के लिए और के लिए तो देते हैं, देते रहते हैं, जैसे रामायण पार्टी वगैरह के लिए भी कुछ पैसे उन्होंने दिए हमारे पंचायत में, हमारे चे ही हम लोग बैठते हैं कोई पार्टी के लिए। आप उनके पास आवेदन नहीं दिए? आवेदन हम कम से कम उनको भी बोलें करके ऐसे मन में आया तो उनको पास गए थे। हाँ, मतलब इनको ये ना लगे कि हमारे पास तो आते ही नहीं है तो हम क्या मांग करें, है ना? तो टावर अभी लगा कि नहीं लगा? अभी तो कुछ नहीं लगा है सर। नेता होता मिलता है आपसे वोट देने से पहले, आते हैं मिलने के लिए? नहीं,
कोई नहीं मिलते तो फिर आप क्या सोचकर वोट देने चले जाते हो? अधिकार का उपयोग करना है बस इसलिए बाबू का सोचूं और दूं वोट जो सरकार हमला देते है लेते है खाते हैं पियते हैं उछला तो दे वोट। कौन दे रहा है आपको? सरकारें तो केंद्र में मोदी सरकार है, यहाँ पे भूपेश बघेल सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस वाली, तो आपको कौन दे रहा है? अब कौन सरकार देते है? ये भूपेश बघेल देते। आइए इनसे बात करते हैं, युवा लोग भी नजर आ रहे हैं इसमें। क्या हो गया बस में, क्या खराबी हो गई आपको? बस को धक्का दे रहे हो आप लोग? ये बस खराब है। चुनाव के समय ऐसी स्थिति तो नहीं है? नेताओं को तो धक्का देने की जरूरत नहीं है ना आप लोग को? अब नेता लोग को क्या बोल सकते हैं, वो उनकी मर्जी और जो करें। हमारी मांग ओनली डिग्री कॉलेज है। अभी कृषि कॉलेज मिला है यहाँ कोदवा में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिग्री कॉलेज भी बहुत जरूरी। क्या हमको पढ़ने के लिए लेलुंगा जाना पड़ता है? लेलुंगा कितना दूर है? लेलुंगा पत्थर यहाँ से लेलुंगा 18 किलोमीटर और यहाँ पत्थर गाँव है, फिर यहाँ से पत्थर करीब 30-35 किलोमीटर है। और कोदवा में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं, ताकि हम बीकॉम बीएड बीए ये सब कर सकते थे। अभी कोदवा में वो सब चीज़ उपलब्ध नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोदवा में ये चीज़ उपलब्ध रहे। ये नेता को किस लिए चुनेंगे? कैसा नेता होना चाहिए आपका? बढ़िया नेता होना चाहिए। बढ़िया मतलब कैसा बढ़िया? क्या उसमें बढ़िया बढ़िया रहा चलाते कैसे नेता चुना होगा हो? और यहाँ का कुछ समस्या वस्या बच्चे लोग के लिए कॉलेज नहीं है बोल रहे हैं आप लोग? मांग नहीं रखे, बुजुर्ग हो गए आप लोग, तो मांग अपने नेताओं से जो जीतते रहे नहीं रखे कि हमारे बच्चों के लिए कॉलेज बना दो? होना चाहिए कॉलेज, यहाँ होना चाहिए, बना दी हो। पत्थल गांव के कोदवा विधानसभा क्षेत्र में आपने समस्या, एक गंभीर समस्या भी सामने आई, जैसा कि युवा बता रहे थे कि यहाँ कॉलेज नहीं है पढ़ने के लिए। लगातार यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के विधायक चुने जाते रहे हैं। अभी वर्तमान जो विधायक हैं वो 7 बार से यहाँ चुने गए हैं, इसके बावजूद इस क्षेत्र में कॉलेज न होना एक बड़ी गंभीर समस्या भी बताता है। हालांकि ये क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बाहर देश भर में उसकी सप्लाई होती है। पत्थल गांव के कोदवा से नीलेश त्रिपाठी, ND TV।